order, sir. So, अभी साक्षी ऑनलाइन ऐसी सर्च कर रही थी जो यहाँ की पुलिस है आइसलैंड पुलिस का, उसके पेज पे What's up guys, welcome to yet another Iceland video. ये हमारी मोटर होम खड़ी है और हम अपनी मोटर होम पे आइसलैंड घूम रहे हैं. आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि लावा की सैंड में हम लोग कुक करेंगे एक केक और फिर खाएंगे उसको. वेरी यूनिक एक्सपीरियंस जो कहीं और देखने को नहीं मिलता. तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए अभी, फॉर अ चेंज थोड़ा जल्दी पहुंच गए. तो अभी 2:15 हुआ है, 15 मिनट यहाँ वेट करेंगे, उसके बाद ये टूर शुरू होगा. ऑलराइट, टूर इज स्टार्टिंग नाउ. सो वेलकम, माय नेम इज रिकार्डो, आई एम फ्रॉम पोर्टुगल. आई विल बी योर टूर गाइड टुडे. टुडे वी आर गोइंग टू सी अ वेरी स्पेशल बेकरी. We're going to see how Icelandic people for the past 150 years have cooked bread under the ground. So we're going there to the spot, we'll take some pictures, then we'll come back. I will share with you the recipe. The magma is really close to the surface here, so it's about 1 kilometer deep. The water from the rain or from the lake, for example, infiltrates on the soil. The magma is close, so the water starts to boil, comes to the surface, and we use it here to bake bread, for example. Yeah. Okay. Yeah, it's hot. Middle, and now I just have to put a lot of sand. Oh, it should also be boiling. Is it hot? Warm. Really? It's warm. Yeah. Oh yes. Warm, actually. You can give a name to this one if you want. Yeah, hot tummy. Okay, we will eat hot tummy. Would you like to take pictures with him? जो कल इन्होंने केक रखा था वो निकाला है क्योंकि इस केक को बनने में 24 घंटे लगते हैं. सो ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई हम खुद ही अपना केक रखें. और ये मेरे पीछे हॉट स्प्रिंग है जहाँ से धुआं निकल रहा है. इसी हॉट स्प्रिंग से इस पूरे गांव के अंदर गर्म पानी पहुंचाते हैं और हॉट स्प्रिंग के आसपास की जितनी भी ये ज़मीन है ये सारी इसके अंदर से हीट निकलती है और ये जो गर्म पानी निकलता है नीचे से उससे यहाँ पे लोग अपने अपना खाना पकाते हैं. तो जैसे कि ये कैफ़े है ये लोग अपना केक पकाते हैं यहाँ पे. एक दिन पहले केक रख के जाते हैं. सो अभी उसने हमारे सामने एक केक रखा
जो वो कल निकालेंगे, और हमने जो कल केक रखा था वो आज निकाला है। ऐसे हॉट स्प्रिंग के आसपास खाने का सामान रखो, लोग अपने और भी खाने की चीज़ें बनाते हैं और उसका टेस्ट अलग ही होता है, विच वी विल फाइंड आउट जस्ट नाउ। अभी हम लोग जा रहे हैं, खाएंगे थोड़ा सा उसका, हमारे को थोड़ा थोड़ा पीसेस देंगे वो लोग खाने के लिए, ट्राई करने के लिए। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग नाउ। ब्यूटीफुल, थोड़ी हवा रुक गई है विच इज़ वेरी नाइस। अभी थोड़ी देर पहले तक क्रेजी विंड थी, क्रेजी। I hope you enjoy, okay? Put it here and let it melt. Yeah? Take a picture. Yeah. Ooh, looks nice. Looks nice. Yeah? Thank you. Try it and then give me your feedback. There you go. Then, yeah. Very good. Thank you. But yeah, bread is awesome. Garam garam, man. Fresh out of the oven, out of the hot spring. So इसके ऊपर इन्होंने fish भी रखी है, which is the trout fish, local. इसी उसमें से जो ये पानी था बाहर, यहीं से पकड़ी हुई। बहुत tasty यार। अच्छा है, right? फिश के साथ कॉम्बिनेशन और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ गई है तो मेरे को भूख चढ़ गई है ये खाके। सेम। तो जो ब्रेड कटी है वो दोबारा लाइन में लग के एक एक और पीस दे रहे हैं। मैं तो दो बार खा चुका हूँ, मैंने फिर वापस से चीकू और समक्ष को लाइन में लगा दिया। मैं अगर तुम लाइन में लग जाओ तो मेरे लिए एक एक और ले आना। इतने गुस्से से देगा। मजा आ गया यार यहाँ पे। टोटल पैसा वसूल था, द टोटल इसकी जो टिकट थी दैट वाज $17 पर एडल्ट, सो 34 ही लगे, बच्चे फ्री थे। हमने पता नहीं कितनी बार उससे ब्रेड लेके खाई। एक तो ब्रेड भी बहुत टेस्टी थी और ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये पूरी जगह ही अमेजिंग है, आसपास पहाड़, और इस टाइम हवा भी थोड़ी रुक गई है तो मज़ा आ गया। और ये तेरे को तूने ध्यान दिया, वो कह रहा है जो साइड वॉक्स हैं यहाँ पे सर्दी में बर्फ़ जम जाती है तो उसको पिघालने के लिए भी जो एक गर्म पानी निकलता है हॉट स्प्रिंग का, इसको यूज़ करते हैं उसको बर्फ़ को पिघालने के लिए। ब्यूटीफुल जगह है यार। एक जो ब्रेड थी इतनी बड़ी, आई थिंक उससे इन्होंने आराम से $500 बना लिए होंगे। तो आपने देखा कि कैसे एक ब्रेड $500 की बेच सकते हैं आइसलैंड में, जस्ट बिकॉज कि वो रेत के अंदर उन्होंने पकाई है। नो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, डेफिनेटली वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड दे डिजर्व इट। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको पैसा कमाना आता है तो आप एक ब्रेड $500 की बेच सकते हो। और आज सुबह हम लोगों ने कोविड टेस्ट करवाया था, बहुत फटाफट हो गया। हम एक दिन पहले इसलिए हम लोगों ने कोविड टेस्ट कराया, हमने वैसे कल करवाना था, आज करवा लिया क्योंकि पता नहीं आता या ना आता। कि कई लोग ऐसे थे जिनका 36 घंटे में भी नहीं आया था और 5 घंटे में एग्जैक्ट हम सबके रिजल्ट आ गए। इट्स ऑल नेगेटिव, सो वी शुड बी गुड टू गो बैक टू कनाडा। ये मुझे टेंशन होती है, पता नहीं अपने घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, है ना। तो अभी साक्षी ऑनलाइन ऐसी सर्च कर रही थी और इसको पुलिस का, जो यहाँ की पुलिस है आइसलैंड पुलिस का, उसके पेज पे एक इसको फोटो मिला विच इज एग्जैक्टली द सेम एज आवर बैग, सिमिलर। सो अभी हमारे को ये नहीं समझ में आ रहा, वो सारा आइसलैंडिक में लिखा हुआ, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो हमारा बैग ऐसा सा दिखता था, यही आई थिंक हमारा बैग मोस्ट लाइकली। और अभी पूरा नीचे जो है इसमें आइसलैंडिक में लिखा हुआ है, अभी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या, उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो
उम्मीद जगी है थोड़ी बहुत, हो सकता है हमारे को हमारा बैग वापस मिल जाए ये है, जाने ये से है, पहले है। हमारा ही है ये? Yeah, I remember clearly in my mind. पक्का? Yeah, the exact. हमारा ये बैग 8 दिन पहले गुम हुआ था, हम पूरा आइसलैंड घुमाए, हमने अपने सारी चीजें खरीद ली, बच्चों के रेन पैंट्स खरीद ली, साक्षी ने अपने स्विम सूट खरीद लिया, और भी चीजें थी, चिंकू के लिए स्विम पैंट्स ले ली, वो सब करने के बाद में अगर हमारा सामान वापस मिल जाता ना, दैट विल बी द क्रेजीएस्ट थिंग। हमारी ट्रिप को 8 दिन हो गया, पहली बार हम लोगों ने म्यूजिक लगाया, अभी तक बिल्कुल साइलेंट गाड़ी चलती थी। जरूरत ही नहीं महसूस हो रही थी, सीनरी इतनी बढ़िया थी। जस्ट 3 मिनट्स वॉक। अभी तक जितनी भी यहाँ पे नेचुरल अट्रैक्शंस होती हैं वो फ्री होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वे पार्किंग चार्जेस होते हैं, यहाँ उल्टा है, पार्किंग फ्री है लेकिन पर पर्सन चार्जेस हैं। उसका रीज़न ये है कि ये एक प्राइवेट लैंड के ऊपर वोल्केनो का क्रेटर की लेक है। दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ दी क्रेटर लेक कॉल्ड कैरिड कैरिड। हवा, बरसात, नीचे जा रहे हैं पहले ऊपर। इसका रिम है, यहाँ पूरी आप परिक्रमा कर सकते हो। अगर आप 7 परिक्रमा करोगे तो आपकी जो मांगी मन्नत होगी वो पूरी होगी। ऐसे लग रहा है 4 डॉलर बेकार हो गए। ये पार्किंग थी, ये क्रेटर था, मैं कह रहा हूँ थोड़ा तो चलवाते ऐसे लगता वसूल तो हुए। एनीवेज वसूल करने जा रहे हैं। ये जो लेक थी, इस लेक के बिल्कुल नीचे तक भी जा सकते हो, ये एक छोटा सा पाथ बनाया हुआ इन्होंने। लेट्स गो डाउन। जमाने में एक्टिव वोल्केनो था, यहाँ से लावा निकला था, एंड नाउ इट्स ऑल गॉन। ऑलराइट, अपने 4 डॉलर वसूल करने के बाद वापस जाते हुए एज अ विनर। तो हम लोग यहाँ पर आ पहुंचे हैं, थिंगविलर नेशनल पार्क है ये, काफी इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक भी और इंटरेस्टिंग सी जगह है। पर इतनी जबरदस्त बरसात हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा हम लोग यहाँ पे कैसे चलेंगे। और इस टाइम पूरा पार्किंग लॉट खाली हो चुका है, वो इसी वजह से क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा है, हवा भी बहुत ज्यादा तेज चल रही है। एक चीज हमने और जाना था, एक थर्मल रिवर थी, वो भी हमने प्लान कैंसिल कर दिया इसकी वजह से। अब हमें लग रहा है कि वी शुड कॉल इट अ डे, कल सुबह आके दोबारा ये देखेंगे। अब कैंपिंग पे चलते हैं, कैंप ग्राउंड पे, और फिर वहां जाके जो है मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया और मैंने दारू छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन तब मैंने इन तमाम लोगों के बारे में सोचा, किसान जो अंगूर उगाते हैं, वो दारू की फैक्ट्री के मजदूर, वो कांच की बोतल की फैक्ट्री वाले मजदूर, वो बार में नाचने वाली गरीब बार डांसर, बार का वेटर, वो कबाड़ी जो बोतल और कैन इकट्ठा कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इन सबको लाद कर चलने वाले गरीब ट्रक ड्राइवर और उनके बीवी बच्चों के बारे में सोचा। दरवाजा ही नहीं खुल रहा। ये लोग तो अपना टेंट अभी सेटअप कर रहे हैं, गाड़ियां और आ रही हैं। हम ऐसे सही टाइम पे पहुंचे हैं, बिल्कुल जगह ही नहीं है, सारी जगह भर चुकी है। द गुड थिंग इज कि एक हमारे को इलेक्ट्रिक स्पॉट मिल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लगा देंगे हम। और ये बाकी तो यहाँ तो इन्होंने पीछे बंद कर रखा है सारा। ये लोग जा रहे हैं जगह ढूंढने, मुझे नहीं लगता इनको जगह मिलने लगी है। लग रही है
प्लग देख लिया है खाली। ये दिख रहा है बिजली का कनेक्शन, ये रहा, ये रहा। इसका मतलब बिजली आ गई। ओ भाई साहब क्या जबरदस्त हालत है यार। ये बिजली पे कर दे फ्रिज। हाँ ये फ्रिज को बिजली पे कर देते हैं। सो अभी इनके मैं ऑफिस गया था, ऑफिस बंद पड़ा है, तो वहां कोई और लेडी खड़ी हुई थी, उससे मैंने पूछा, मैं कहा यार ऑफिस तो बंद है तो क्या करना, कहती हमने भी अपनी गाड़ी ऐसे ही लगा दी है। तो अभी क्या हुआ कि वैसे नॉर्मली लोग देर तक चेक इन करते रहते हैं, लेकिन इतना खराब मौसम है इसकी वजह से ये इस टाइम ही भर चुका है, ऑलरेडी फुल है, हम लास्ट ही हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे पहुँचने वाले। अभी एक और गाड़ी जो आ रही थी उस टाइम पीछे से मोटर होम, वो वापस चली गई, उसमें मतलब सुबह डील करेंगे इनको क्या पेमेंट करनी है, अब बस पार्क कर दो फटाफट। मैंने तो आके पार्क कर दी भाई, अब कुछ नहीं पता, अगर 10 मिनट हम डिले करते हैं हमारे को यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती, मिलती भी सही कहीं घुसा के लगानी पड़ती और हमारे को बिजली नहीं मिलती। अब हमारे को इलेक्ट्रिक मिल गई है। आइसलैंड में अगर आप आ रहे हो घूमने के लिए तो यू नीड बफर टाइम, जरूरी नहीं है कि आपने जो प्लान बनाए हैं वो सारे आपके पूरे हो जाएं। आज हमने दो चीजें और देखनी थी, लाइक एक हॉट रिवर है, रिवर में पूरा पानी गर्म है, आप आराम से बैठो रिलैक्स करो, लेकिन उसकी 45 मिनट्स की वॉक है, पहले हाइक है। अब इतने खराब मौसम में 45 मिनट की हाइक दो बच्चों के साथ नॉट पॉसिबल, और वहां जाके भी क्या मजा करता है इतनी ठंड में और इतनी हवा में, और उसमें तो वी ड्रॉप द आइडिया। ही इज अ वेरी गुड हाइकर, चीकू इज अ वेरी गुड हाइकर, बट ही आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, नॉट पॉसिबल विद मी, इट्स पॉसिबल विद यू एंड मी। या अपना पड़ोसी जो ये कर रहे हैं टेंट सेटअप, इनकी क्या हालत हुई पड़ी है, ऐसे उड़ रहा है टेंट इनका, कैसे सोएंगे यार इसके अंदर। तो ये हम लोग लेकर आए आइसलैंडिक फिश, मतलब आइसलैंडिक में इसलिए कह रहा हूँ फिश तो नॉर्मल नॉर्मल ही होती है, बट इन्होंने ऑलरेडी प्री मैरिनेटेड थी विद आइसलैंडिक फ्लेवर। बहुत ज्यादा ही मीठा वो है, नमकीन ना, बहुत ही ज्यादा नमकीन है, हमने कुछ भी डाला नहीं इसमें ऊपर से, कांट हैंडल इट। कैसे खाते है? इतनी ज्यादा नमक ही नमक है। मैं इसकी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तूफान की, कि क्या आवाज आ रही है। डर लग रहा है? डर किस बात का? गाड़ी पलट। नहीं नहीं गाड़ी नहीं पलटती, ये आप ठाकुर के बने हो। ठंड लग रही है आगे, ठाकुर बनो, चश्मा चश्मा पहन के अगली वाली तरफ थोड़ी ठंड है। मैं वैसे आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्या जबरदस्त तूफान है, मैं बाहर जाके रिकॉर्ड नहीं कर सकता, नहीं तो क्या जबरदस्त तूफान है। Your phone will be broken. कर लो रिकॉर्ड। वाटरप्रूफ कैमरा से। नहीं अंधेरा है ना, बिल्कुल बाहर अंधेरा घुप है, क्या रिकॉर्ड है, नजर नहीं आएगा कुछ।